देवी बरन दिनों ज्यादातर सीरियल्स में सौतन थीम वाले ट्रैक को बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों ने अपने सौतन वाले किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया और इन्हीं सौतनों को देखकर टीवी की मुख्य अभिनेत्री उनसे तौबा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीवी इंडस्ट्री में सौतन के ट्रैक पर चलने वाले बहुत सारे सीरियल्स में मुख्य अभिनेत्री अपनी सौतन की खूबसूरती पर फुल टू लट्टू हो चुकी है, जहाँ पर ही अभिनेत्रियाँ कह चुकी है कि इनके सौतन दिखने में इनसे भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आइए आपको टीवी इंडस्ट्री के कुछ खूबसूरत अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन सौतनों से रूबरू करवाते हैं, जो उनसे काफी ज्यादा खूबसूरत है। नंबर वन, रश्मि देसाई। कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल दिल से दिल तक में अभिनेत्री रश्मि देसाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी बनी काफी खूबसूरत दिखाई दी थी, मगर इसी सीरियल में जैस्मिन बसेन भी इनके सौतन के रूप में दिखाई थी, जहां दर्शकों ने रश्मि से ज्यादा जैस्मिन को पसंद किया था। वही रश्मि देसाई भी ये मानती है कि जैस्मिन उनसे काफी ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल है, जहाँ पर जैस्मिन की क्यूट स्माइल और बात करने का लहजा काफी ज्यादा प्यारा है और जैस्मिन की अटखेलियां और उनका बेबाकी से कुछ भी बोलना उन्हें काफी सुंदर बनाता है। रश्मि इसीलिए जैस्मिन बसीन को अपनी सौतन होने के बावजूद उनके रंग रूप की वजह से पसंद करती थी। नंबर टू, रूपाली गांगुली। जी हाँ, अनुपमा सीरियल में 45 साल की अदाकारा रूपाली गांगुली को अपनी 30 साल की सौतन मदासा शर्मा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, जहाँ उनका गोरा चिट्टा रंग और कचरारी आंखें इन्हें बेहद ही पसंद है। भले इस सीरियल में अनुपमा और काव्या की पड़ती नहीं, मगर असल जिंदगी में रूपाली गांगुली को अपनी सौतन काव्या से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि उनके गोल मटोल लुक और क्यूटी पाई फेस पर ये फिदा है। इसलिए रूपाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मदासा उन्हें बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं, उनसे भी ज्यादा। नंबर थ्री, श्रुति झा। पिछले 7 सालों से चलने वाला सीरियल कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा के किरदार में अभिनेत्री श्रुति झा को लोग बेहद ही पसंद कर रहे हैं, जिन्हें शो में बनी अपनी सौतन तनु यानी कि लीना जुमानी बहुत ही ज्यादा पसंद है, जहां लीना जुमानी का खिलखिलाता हुआ चेहरा, उनके सिल्की बार और इवन टोन स्किन भी बहुत ज्यादा पसंद है। शो में हमेशा प्रज्ञा और तनु की लड़ाई, नोक झोंक और चालबाजियां ही देखने को मिलती है, मगर असली में प्रज्ञा अपनी सौतन तनु के सुंदर रंग रूप और उनकी खूबसूरती पर फिदा है। नंबर फोर, आयशा सिंह। स्टार प्लस की दो खूबसूरत सौतनें हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहां विराट की शादी सई से हुई, पर पाखी भी उनका लव है और इसलिए सई और पाखी के बीच में हमेशा नोकझोंक, लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो चुकी है, मगर सई यानी की अभिनेत्री आयशा सिंह को अपनी सौतन पाखी यानी की ऐश्वर्या शर्मा काफी ब्यूटीफुल लगती है। पाखी के नए नक्श दिखे है, वही आयशा सिंह का चेहरा बदला है। इसी के साथ आयशा को ऐश्वर्या का निखरा हुआ चेहरा, क्यूट स्माइल और टोटल पर्सनालिटी अपने से ज्यादा प्यारी लगती है। नंबर फाइव, श्रद्धार्या। कुंडली भाग्य शो में अभिनेत्री श्रद्धार्या अपनी ऑन स्क्रीन सौतन स्वाति कपूर के नेचुरल खूबसूरती की दीवानी है। वैसे करण को पाने के लिए स्वाति कपूर ने अपने किरदार माहिरा की प्रीता को काफी खरी खोटी सुनाई थी, उनके साथ षड्यंत्र भी रचे थे, मगर इसके बावजूद श्रद्धार्या अपनी जलने वाली सौतन की खूबसूरती को अपनी सुंदरता से ज्यादा पसंद करती है, जहाँ पर श्रद्धा को स्वाति का गुड लुकिंग होना, सिंपल देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, आपको किस अभिनेत्री की ऑन स्क्रीन सौतन देखने में उनसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।